जी, तो इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 30 पे हमने लास्ट वीडियो में इस तक किया भाग लिए थे। इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जनरल में इक्वल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर देखना होता है, पहली मैट्रिक्स की कॉल और दूसरे की रो, तो वो सीक्वेंस मैटर करता है जनरल केस में, तो इक्वल नहीं होता। उसने कहा मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड, इसको फाउंड कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर सिर्फ ए और बी का मेरे को जमा क्या करेंगे, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब जमा करने के लिए मैट्रिक्स की इसका भी ऑर्डर हुई हो, इसका भी ऑर्डर हुई हो, तभी तो वो अपनी अपनी वैल्यू में जाकर ऐड होंगे ना, तो इक्वल है ठीक है, इसकी वैल्यू में लिखा कर इक्वल। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। डेफिनेशन है स्क्वायर की, हमने मतलब हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में उतनी कॉलम उतनी रोज होती, अगर ऐसा हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर में आती है ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन जो आप लोग खुद करें, क्यों, क्योंकि ये हमने ठीक से किया, मैंने आपको इससे 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बताया था, ये बिल्कुल वैसा है 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जैसे किया बिल्कुल वैसे, आपने वो देखना है, आपने वो टेस्ट में भी किया है और ये कल है और बी की वेरीफाइड करी बिल्कुल वैसे ही। फोर्थ क्वेश्चन भी देखें, इसका मैं एक पार्ट करवा देती हूँ आपको, टी वी सारे आ रहे नहीं है सर, पहले रिविजन ही हो रही है, जिससे आप करना चाहोगे तो आपको आ जाएगा। देखिए 2/3 इंटू 2a-3b, अब इसका मतलब क्या कह रहे हैं, पहले इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है कि पहले आप जो है वो 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -3 को b से, फिर बाहर जो आंसर है उसको से मल्टीप्लाई करोगे, हम वैल्यू लगा लेंगे, ब्रैकेट डाली 2a यहाँ लिख दिया, a क्या था 2, 3, 1, 0, दरमियान में -3, 5, -4, -2, -1। देखिए पहले लगाइए ध्यान यहाँ पर 2a-3b और बाहरी, पहले इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मैं तीन से इसको एक मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4 ये मल्टीप्लाई कर देते, अब 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और अभी ये माइनस को नहीं ले रहे ठीक है जी, अब इन दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें, माइनस करके इधर क्या आ जाए 11, इसको इसमें से माइनस किया 6 में से 12, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, 2 माइनस माइनस 4 3, ये मैंने माइनस किया और बाय 2/3 ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, हमारे माइनस वाला स्टेप जो कर लीजिएगा ठीक है, ये ऐसे करती हूँ ऊपर से दूसरा पेज कर, ये पीछे काफ़ी दिन हमारी वीडियो हो चुकी है, 2/3 लिखा है और अंदर लिखा है माइनस 11, 18, ये समझ आनी चाहिए क्योंकि हमें पहले दफा काफ़ी दफा कर चुके हैं, इससे क्या मल्टीप्लाई करें, पहले मैंने तो सिर्फ ऐसे कि 2 अंदर मल्टीप्लाई करें ना, पहले तो आगे डिवीजन बनी मल्टीप्लाई इसको हमने करना है, तो हम कर लेंगे कोई बात नहीं, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2/3 को लिखा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया ठीक है, नीचे वाली लाइन लास्ट में इसको देती हूँ, ये साथ साथ नोट करते रहेंगे, 2/3 लिखा मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 के साथ 2/3 लिखा मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबके साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ठीक है। तो देखो वीडियो बन रही है जी, तो ये सब वीडियो स्टॉप हो जाती है, फिर जो है ना वो मसला होता है, इसको चेक कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है, इसको मल्टीप्लाई से देखिए ऊपर नीचे कुछ कटिंग हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन तो हो जाती है, इधर नहीं हो रही है तो ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 2 को जब इसे किया 22, नीचे 3, ये कटिंग हो रही है 3 1 3 3 6 8, जब कटिंग हो रही हो तो ऊपर नीचे कर सकता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की अगर वैल्यू हो वापस पर कट जाती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे क्रॉस बन रहा हो ठीक है, बाकी का बचा 2 6 12 आ गया, ये भी कट रहा है मीनस, और ये भी कट रहा है, तो ये वैसे रहेगा, ऊपर तो वही क्या होता ना ऊपर ही कटिंग होती, तो 2 4 8 और नीचे 3 रह गया, ये कट रहा है, ये 3 था ये भी 3 था, पीछे रह गया 2, तो ये आंसर आ गया हमारा ठीक है। तो बस आपने ये करना है, ये 3 4 तक हमने क्वेश्चन करने थे, अब नेक्स्ट वीक आपको छुट्टियाँ हो रही हैं, नेक्स्ट चार दिन स्कूल आएंगे, जब आप लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी छुट्टियों में चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करते जाना है, अ
अच्छी तरह से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यू भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं चैप्टर से। ठीक है, तो एक बार ये एक पॉइंट ये मैंने देखा था, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि कुछ आंसर ऐसे आ रहा था, वैल्यू आई थी उसके नीचे जो आंसर आ रहा था वो ऐसे था, मतलब ओवर भी ओवर थी, दो तीन बच्चों ने मैसेज किए, तो मैंने सोचा था मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ कि आपसे कि ये ओवर ही ओवर था, क्योंकि पहले ऐसी वैल्यू नहीं आई ना, सिंपल ऐसे होती थी नीचे कोई ऐसी वैल्यू आ जाती थी, अब जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी ओवर भी, तो ओवर की नीचे ओवर हो तो पहले कहा था वो रेसिप्रोकल होती, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होती, इसका मतलब और क्या है, इसका मतलब है ये वैल्यू लिखी थी दरमियान में डिवाइड था, क्या डिवाइड था, वन ओवर फोर, जब मतलब डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखिए मल्टीप्लाई में चेंज, और जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ये रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए वो आपस में आगे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट देखते हैं कि जब आपके पास कोई वैल्यू डिवाइड नहीं है डिवाइड हो तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या होना था, ये मैंने जनरल लिखा फोर यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये जो था ना एक पार्ट में ऐसे हो रहा था कुछ उससे पूछा था, तो ये अमाउंट का है बस आज के लिए ये करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए आपने इतना काम अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज़।